नए जो टीचर्स आने वाले हैं जस्ट अभी, तो वो एक सैलरी की चीज रहती है, मोटिवेशन टाइप का। तो क्या कुछ मतलब सैलरी अगर आप वैसे मतलब आइडिया दे सकते हो? नहीं मतलब फिगर ही बता दो, फिगर ज्यादा और क्या। नए लड़कों को तो यकीन ही नहीं होता, लोग हैं इतना पैसा मिल रहा है मुझे चार घंटे की नौकरी के लिए। उससे पहले बहुत मोनोटोनस लग रहा था, मैं चाहता नहीं था टीचिंग करना, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो एक टीचर ने आगे बोल दिया मुझे, कहते आप पढ़ाते क्या हो, कॉपी तो भरती नहीं है। माइंडसेट है। और एक स्कूल से इनडायरेक्टली निकाला भी गया था 10th के ऑनवर्ड्स, तो बहुत एक वो टैग थप्पा था बैक देन, चला स्कूल से निकाला गया, फेल भी हो गया था मैं 11th में। एक ऐसी पर्सनालिटी के साथ आओ कि भाई सामने वाला देखे तो एक बार कह दे यो मास्टर है, यो मास्टर तो लागत नहीं। हम जिम में जाके स्क्वाट्स भी लगाते हैं, हम पहाड़ों पे जाके खाना भी बनाते हैं, और क्लासरूम में हम आकर अपने रंग भी भरते हैं फूलों में। सर ये है कि आपकी अब क्या फ्यूचर प्लान्स रहने वाले हैं रिलेटेड टू कंटेंट क्रिएशन और एजुकेशन एक्विटी, आप क्या मतलब। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब, मेरा नाम हिमांशु सांगवान और हमारे साथ आज एक बहुत बहुत स्पेशल गेस्ट। इनका इंट्रोडक्शन देने की कोई मतलब नीड तो है नहीं, पर सर 2 सेकंड का बस। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिववत्स और इंस्टाग्राम पे मैं इंग्लिश वाले सर के नाम से एक पेज चला रहा हूँ, जहाँ पर मैं अपने डेली टीचिंग प्रैक्टिसेस शेयर करता हूँ। थैंक यू। जो आज हम कुछ बातें करने वाले हैं बहुत ही हॉट और क्रिस्प होने वाली है आप सब के लिए, ठीक है। और सर आपके लिए कुछ एक मैं मतलब एक अच्छा एक्सपीरियंस ऐड करने का ट्राई करूंगा कि आप भी बच्चों को एक वैल्यू प्रोवाइड करा पाए। थैंक यू सो मच। पहला क्वेश्चन ये है कि आप एज अ टीचर कैसे स्टार्ट हुई, जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई टीचर? अच्छा, दिल्ली देहात से मैं बिलोंग करता हूँ, जौनती मेरे गांव का नाम है। तो हमारे यहाँ पर क्या था या आज भी है कि दिल्ली देहात में कहा जाता है कि इन गांव वालों ने पहले तो जेबीटी की पढ़ाई कर ली, अब ये नर्सिंग के पीछे पड़े हुए हैं। तो उस मेरे घर में ऑलमोस्ट 12-13 लोग हैं जो टीचिंग में हैं ऑन एंड ऑफ। तो मम्मी टीचर हैं, फादर टीचर बनते बनते रह गए ड्यू टू सर्टेन रीजंस, लेकिन चाचू टीचर हैं, सब लोग टीचर्स हैं। तो उन्होंने ही इसको प्रमोट किया कि भाई आप भी टीचिंग में आ जाओ, और गाँव में हर घर में चार चार टीचर्स हैं, तो वहाँ से जर्नी शुरू हुई। अच्छा जी, उसके बाद मतलब आपके 12th IIT का क्या सीन? जी हाँ, तो 12th मैंने KIIT वर्ल्ड स्कूल से करा। उसके बाद हर बंदे की तरह मैं भी बीटेक की तरफ भागा, कॉस्मोपॉलिटन सिटी में हम भी जाएंगे। उस टाइम पर ट्रेंड भी हुआ बीटेक का, बड़ा ट्रेंड, वो कहते थे कि अगर कोई पेड़ हिलाओगे तो एक बीटेक गिरेगा, या फिर एक पत्थर मारोगे तो उसके पत्थर से बीटेक गिरेगा, और थोड़ा और जोर से हिला दोगे तो MBA वाला गिरेगा। तो उस टाइम पे थे, लेकिन मेरे फादर वॉज वेरी लाइक क्लियर विद माय फ्यूचर। उन्होंने पहले ही बोल दिया कि भाई JBT करनी है, बढ़िया 6 घंटे की नौकरी है, 50,000 तनख्वाह है, वो सब कुछ। तो डाइट में, दिल्ली डाइट में एडमिशन ले लिया, गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों, मेरा थर्ड लिस्ट में काउंसलिंग थी। तो तब मैंने सोचा कि क्यों ना प्राइवेट डाइट से किया जाए, क्योंकि मैं नाम सुन के थोड़ा सा यू नो अट्रैक्ट हो गया था कि MAT से मुझे डाइट करने का मौका मिल रहा है, तो वहाँ चले गए। और इट वॉज ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर एक्सपीरियंस जहाँ पर मुझे टीचिंग बहुत पसंद आई। उससे पहले बहुत मोनोटोनस लग रहा था, मैं चाहता नहीं था टीचिंग करना, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन जब फर्स्ट टाइम मैं क्लासरूम में गया, तो वहाँ पर मैंने देखा कि भाई कितना ज़्यादा मुश्किल है। हमने फर्स्ट क्लास को एक पोम पढ़ानी थी, और वो कविता मैं उनको पढ़ा ही नहीं पाया, वो टोटली ब्लैंक, बच्चे मुझे देख रहे हैं, ऑब्जर्वर मुझे देख रही है, और मैं उनको देख रहा हूँ। मैम ने पूछा कि भाई क्या चक्कर है, चुप क्यों हो गए? मैं कहा मैडम मैं भूल गया। तब समझ में आया कि इतना ईजी नहीं है जितना बाहर से दिखता है। फिर डाइट हो गई, CTET हो गया, एक NGO थी वहाँ पर, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की इंग्लिश की बुक्स थी, वो ऑर्फनेजेस में पढ़ाई, गेस्ट टीचर की नौकरी करी कुछ 8-9 महीने। उसके बाद 2014 में केंद्रीय विद्यालय में सिलेक्शन हुआ, 2018-19 में DSS में। ठीक है सर, बहुत बहुत अच्छा लगा आपकी जर्नी को जानने के। सर नेक्स्ट सवाल ये है कि आपका एज अ DSS टीचर टिपिकली डे क्या रहता है, मतलब थ्रू आउट दी से लेके शाम तक, मतलब क्या रूटीन क्या रहता है? अगर पूरा दिन की बात करूं तो मेरा दिन वैसे तो स्कूल में 12 बजे शुरू होता है, क्योंकि हम सेकंड शिफ्ट में, इवनिंग शिफ्ट है, तो 12 से 6:30 तक हमारा जो रहता है वो रहता है। 12:25 के साइन होता है, बायोमेट्रिक अब आ गया, तो 12:25 से पहले वहां पे 1 बजे मेरे बच्चे आ जाते हैं। फिर वही अटेंडेंस लो, ऑनलाइन अटेंडेंस लो, हैप्पीनेस कराओ, देशभक्ति, फिर लंच के बाद में, ठीक है, फिर थोड़ी देर में इवनिंग में भी होता है ब्रेकफास्ट। हाँ बताया, वो 1:45 बजे बच्चों को मिनी स्नैक ब्रेक या फ्रूट ब्रेक कराते हैं,
दो से तीन पढ़ाया जाता है, 3 बजे फिर उनको उनका मेन लंच कराया जाता है जो मैं उनके साथ करता हूँ डेली, और 3:15-3:20 पे मिड डे मील आ जाता है, तो 3:30-3:40 तक मिड डे मील चलता है, उसके बाद फिर थोड़ी देर पढ़ाई चलती है, और 5 बजे से 5:30 जो ये आधा घंटा है, पिछले 2 साल से ये मेरा एक्टिविटी पीरियड है कि 5 से 5:30 बजे तक, चाहे बच्चों को जैसे कई बार कहता ना एक्टिविटी नहीं मिलती, हाथों पे रंग करके मारो छापे हाँ, कुछ भी तो करना हुआ है, तो 5:30 तक एक्टिविटी, फिर उनके पेरेंट्स आ जाते हैं क्लासरूम से, वो ले जाते हैं 6:10 पे या 6:30 विंटर या समर के अकॉर्डिंगली, फिर हम वापस आ जाते हैं। तो ये अपना दिन है। तो भाई यही होता है नीट एसएसबी टीचर का, मतलब मजा ये है कि भाई आपको, मतलब सर बेसिकली हम कांटेक्ट में बच्चे के सिर्फ मुश्किल से 4-4.5 घंटे हाँ ये जी इतना ही है, तो आपने उसमें आपको बच्चों को हैप्पीनेस भी कराना है, देशभक्ति भी कराना है, लंच भी कराना है, पढ़ाना भी, एक्टिविटी भी करानी है, स्पोर्ट्स भी उसी में कराना है, सब कुछ रीडिंग उसी में करानी है, एक उसमें कराना है, ठीक है। तो मतलब एक होलसम एक्सपीरियंस अगर बोलना चाहना तो यही है, असली जॉब मतलब ये है जिसमें हमें एक फ्रूटफुल एक्सपीरियंस मिलता है बहुत ज्यादा, है ना, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, और बच्चों के साथ कनेक्ट करने का मौका मिलता है बिल्कुल, और उन 4.5 घंटे मतलब वो अलग ही एक अलग जोन होता अलग है, ठीक है। आपने अपने एक रूम का दरवाजा बंद किया, दैट इज योर सेफ हेवन, बच्चों के लिए एक सेफ जगह है, और अपने करो मौज, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वहाँ पे उस क्लास में ना आप बच्चों के लिए एक मतलब एक टॉप प्रायोरिटी पे है, जो आप उनको बताएंगे, मॉरल वैल्यू सिखाएंगे, एक्टिविटीज कराएंगे, वो तो मानेंगे भाई यही है जो टॉप प्रायोरिटी ऐसे है। अभी जब सर्दियां आई थी तो मैंने बच्चों को बोला भी सब लोग टोपा लगा के आएंगे, ठीक है, वो विंटर कैप लगानी है सबने, तो गलती से मुंह से अननेसेसरली अनइंटेंशनली निकल गया कि सबने व्हाइट कैप लगा के आनी है। रात को 10:30 के अराउंड फोन आता है एक के फादर का, कहते सर जी, मैं कहा पता नहीं क्या बात होगी, तो मैं कहा हाँ बोलो क्या हो गया, तो कहता सर जी आप एक बार ना इससे बात कर लो, मैं क्यों क्या तक रहे हैं, कहते सर मेरे को सफेद टोपा कहीं मिला नहीं है, इसे मेरा खून खा रखा है, तो आप बोलोगे तो शांत हो जाएगा। तो मैंने 10:30 बजे रात को बच्चों बोला, मैं बेटा कोई बात नहीं, जो भी है कैप आप वो लगा के आ जाए, बच्चों के लिए तो वो पत्थर की लकीर थी कि मेरे सर जी ने सफेद टोपा बोला है तो आप लाल कैसे ले आए, और मुझसे गलती से सफेद निकला। तो ये बच्चे इतना हमें रिस्पेक्ट देते हैं, या भाई रोल मॉडल जिसको हम कह सकते हैं, ये तो बहुत ही मतलब प्योरेस्ट ऑफ द एक्सपीरियंस रहता है हमारा, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लव है। हाँ जी, चलो जी सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, आपको अभी तक थ्रू आउट अपनी टीचिंग लाइफ सबसे मोस्ट इफेक्टिव टीचिंग स्टाइल, टीचिंग स्ट्रेटेजी क्या लगी है? टीचिंग स्ट्रेटेजी या टीचिंग प्रैक्टिस की अगर मैं बात करूँ, 2 हैं। एक एक्टिविटी मेथड से पढ़ाना, ठीक है, बच्चों से आप इजीली कनेक्ट कर सकते हैं उनके साथ बैठ के, कैसे जो भी वो है वो सबको मालूम है। एक जो टीचिंग प्रैक्टिस जो मैं पर्सनली फॉलो कर रहा हूँ बहुत लंबे समय से, और जो मुझे बहुत फ्रूटफुल लगती है प्राइमरी क्लासेस में, वो है उनके साथ लंच करके। कश्मीर में सीखा था, वहाँ टीचर्स और स्टूडेंट्स सब इकट्ठे बैठ के खाना खाते हैं, ठीक है, तो वो इसको यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड किया, और मैं पिछले जब से कोविड के बाद से बच्चों के साथ बैठ के डेली एक डेस्क फिक्स है, आज इधर खाना खाता हूँ बच्चों के साथ, 6-7 बच्चे मेरे साथ आ जाते हैं, हम खाना खाते हैं, तो वो है। अब इसमें एकेडमिक और बाकी सब एक फेयरलेस रूम क्लासरूम बन गया, वो सही है, लेकिन एक इसमें बहुत बढ़िया ये हुआ है, अभी पिछले महीने एक बच्चे ने मुझे कहा कि सर पता है आपके साथ खाना खा के ना एक अच्छी चीज तो होगी, मैं क्या, कहते हैं ना अब खाना बड़ा टेस्टी बनता है, तो बड़ा फिल्मी साउंड हो सकता है बट दिस इज लाइक वेरी ट्रू, और बच्चे बहुत इनोसेंट है, वो सच बोलते हैं, ठीक है। तो मैं कहा चलो अच्छा है। कई बच्चों का मैं देख रहा हूँ टिफिन बदल गए, पहले गंदे संदे वैसे टीचर टिफिन थे, बट अब वो अच्छे आ रहे हैं, वो क्यों आ रहे हैं, क्योंकि उनके मम्मी पापा को पता है कि सर जी इनके साथ बैठ के खाना खाते हैं, वो जाके घर पे बताते हैं, तो वो एक अच्छी प्रैक्टिस मुझे लगी, तो मैं औरों को भी सलाह देता हूँ कि भाई आपने बच्चों के साथ बैठ के खाना जरूर खाना चाहिए। जी, ये ठीक। तो भाई अपने टीचिंग प्रैक्टिस में, हाँ मतलब एक एक्टिविटी मेथड जो सरकार या फिर एनसीएफ बोलती आ रही है, वो देखो सर मेरे ख्याल से ये होता है कि वो एक्चुअली जो मेथड है वो एक आपको शॉर्ट टर्म पीरियड में नहीं दिखाई देगा, लाइक अगर हम टेबल को बच्चों को रटवा देंगे नहीं रट जाएंगे, शॉर्ट टर्म में दिख जाएंगे, उसका इफेक्ट इतना लेवल पे नहीं। ये देखो मैं बहुत टाइम से सबको बोलता हूँ कि ये एक्सपेक्टेशन मत रखो कि आज आपने एक एक्टिविटी करा दी और बच्चों में कल ड्रास्टिक चेंज नहीं होगा। हो सकता है कोई एक बच्चा एक एक्टिविटी से ही पढ़ जाए, हो सकता है आप 10 एक्टिविटी करा लो उसको नहीं आए और 11वीं से अपने आप आ जाए। हिट एंड ट्रायल है, करते रहो, इवेंचुअली होगा, महीने में हो सकता है, साल में हो सकता है, तो ये एक आपने अपने बैठेगा जब सारे मेथड्स को एक वो एक्लेक्टिक अप्रोच होनी बहुत जरूरी है। आप जैसे मैं सिर्फ एक्टिविटी से ही नहीं हूँ,
भाई मैं उसके साथ डेमोन्स्ट्रेशन भी है, लेक्चर भी है, मॉरल गाइडेंस है, सब कुछ इन्वॉल्व रहता है अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द टाइम है. आज इसकी जरूरत है तो ये करा दिया, वो है. बाकी फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल होना भी, फ्लेक्सिबल तो होना ही जरूरी है, वो है. ठीक है सर. सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अभी रिसेंट आपके टीचिंग लाइफ में कुछ बहुत ही यादगार रिवॉर्डिंग मोमेंट हो, कोई एक्सपीरियंस हो, कोई भी ऐसा. ओके देखो दो हैं वेल एक्चुअली, क्योंकि मैं स्कूल लाइफ से आई वाज नॉट दैट गुड ऑफ अ स्टूडेंट एकेडमिकली अगर मैं बात करूं, और एक स्कूल से इनडायरेक्टली निकाला भी गया था टेंथ के ऑनवर्ड्स. तो बहुत एक वो टैग थप्पा था, बैक बेंचर है, स्कूल से निकाला गया, फेल भी हो गया था मैं 11th में. ठीक है, तो उनकी कहानियां अलग है वेल एक्चुअली. ठीक है, मैं हो गया तो, लेकिन फेल भी हुआ था 11th में, कंपार्टमेंट आई थी, तो वो था. लेकिन अभी रिसेंटली दो बैक टू बैक इंसिडेंट हुए हैं जो बच्चों से रिलेटेड नहीं है, लेकिन एक तो ये थे कि जो हमारे डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन थे दिल्ली में श्री हिमांशु गुप्ता IAS जी, उन्होंने एक अप्रिसिएशन लेटर दिया फॉर द वर्क दैट आई एम डूइंग. तो वो एक बहुत अपने आप में सेंस ऑफ अचीवमेंट है. दूसरा ये था कि मेरे स्कूल में भी मुझे एक अवार्ड मिला फॉर बेस्ट टीचिंग प्रैक्टिसेस, और स्कूल के वो बड़े वाले बोर्ड पे फोटो भी आ गई, तो वो एक हुआ है. और एक तीसरा जो बहुत पर्सनल है वो ये है कि मेरी जो मदर है वो केशवपुरम डाइट से पास आउट है, तो 98 में उन्होंने वो डाइट पास आउट करी थी. तो अभी कुछ महीने पहले मुझे वहां पर एक रिसोर्स पर्सन और गेस्ट के तौर पे वहां बुलाया गया 2 दिन के वर्कशॉप के लिए. तो वो भी बहुत बहुत दिल के क्लोज है कि जहाँ मेरी मदर एक टाइम पे पढ़ती थी आज मुझे वहाँ बुलाया गया है विद रिस्पेक्ट एंड ऑल. तो ये कुछ एक अचीवमेंट्स हैं जो है, बहुत ही रिवॉर्डिंग चीज है, और मतलब दिल ऐसे ना ट्रिप मुझे भी याद है जब मैं 12th में पढ़ रहा था, मैं सर से थी यार सी ब्लॉक में था, सर की जैसे भी ट्रेनिंग आई इसमें, तो उस स्कूल में मैं बहुत मेहनत करता था यार, मतलब स्कूल से आया, स्कूल से इधर ट्यूशन, फिर पढ़ रहा हूँ स्कूल, स्कूल में जाके पढ़ रहा हूँ, स्कूल से आगे पढ़ रहा हूँ, फिर उस स्कूल में मतलब मैं चाहता भी था पर अनजाने जाने में टॉप कर दिया वो. अरे वाह, साइंस स्ट्रीम से. कांग्रेचुलेशंस. तो फिर उधर मनीष सिसोदिया सर आए थे, हाँ, एजुकेशन मिनिस्टर. हाँ, तो वहां पे मेरे को बुलाया गया था, और वहां पे जैसे एक लिस्ट होती है हॉल ऑफ फेम या वगैरह की टॉप स्टूडेंट्स की, बोर्ड लगा होता है, उधर नाम लिखा गया था. तो मुझे भी सर से पता लगा कि इनकी ट्रेनिंग कुछ दिन पहले हुई थी, तो रिलेटिबिलिटी आई कि भाई ये ले, तो मतलब अपने ही है. ठीक है, एग्जैक्टली सर. अच्छा नेक्स्ट सवाल सर ये है कि आप कौन से मतलब के एज अ आइडियल या फिर कोई एजुकेशनल फिगर जिसको आप फॉलो करते हो या फिर ऐसे कुछ. टू बी वेरी ऑनेस्ट आई डू नॉट नो कैसे लोग रिएक्ट करेंगे, दे माइट टेक इट एज फिल्मी, बट भाई मेरे लिए मेरी माँ या मेरी मदर ही वो एक्सपर्ट हैं, क्योंकि उनकी रिटायरमेंट में 4 साल है और कोविड पीरियड उन्होंने भी देखा है, ऑनलाइन फेज उन्होंने भी देखा है. वो 98 में टीचर बनी थी, कंप्यूटर्स और मल्टीमीडिया तब नहीं था, अभी 2021 में बहुत हो गया. तो जो उनका जुझारूपन था कि भाई यो बता दे यो कुकर होगा, यो कुकर जूम कॉल होगी, यो कुकर में बताऊं मैं, तो वो सारी चीजें देख के ना बड़ा एक अंदर से इंस्पिरेशन आती है दैट एट दिस एज ऑफ हर लाइफ शी इज डूइंग इट. तो यार आपको तो सारी सुविधाएं हैं, व्हाई आर यू नॉट डूइंग इट. तो वो एक अपने आप में बहुत रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस है और मतलब इंस्पायरिंग एक्सपीरियंस है मेरे लिए. तो उनसे डेली इंस्पायर होता हूँ मैं, ये एक है. और ये भाई लास्ट जनरेशन है हमारी मदर्स की जो आपसे पूछ रही होगी कि भाई ये व्हाट्सएप में नंबर कैसे करना है ना, ये जूम मीटिंग करनी कैसे है. अगले अगले जनरेशन तो ब्लो की मारे किसी इस चीज अगले वाले जनरेशन उठा सकते हो ना भाई, उठा एंजॉय करो, दिस इज द ब्यूटी है ना. हां, कहीं ना कहीं एटलीस्ट चलो एक वो कनेक्टिंग फैक्टर है. अगली जनरेशन में तो जो आज की मदर्स उनको मालूम होगा हिडन फाइल्स कहां होती है, हिडन फोटोज कहां पर होती है. और देखो भगवान भी ना एक बार को अपने बच्चे को दुख मतलब परिश्रम दे सकता है कि भाई चलो इसको दुखी करता हूँ, कुछ सीखने को मिलेगा, पर एक जो माँ होती है ना वो कभी नहीं चाहेगी भाई जो मेरा लड़का है या फिर मेरी लड़की है ना कभी इसको दुख देखना पड़े, परिश्रम देखना पड़े. तो कहीं ना कहीं टोटली भगवान और माँ का औहदा लेवल पे ही आता है, एक ही लेवल है भाई. वो कहते तो है भाई भगवान हर जगह नहीं पहुंच सकता, तो उसने माँ को बनाया. बिल्कुल सही, बिल्कुल. ठीक है सर, बहुत अच्छा लगा. सर आपने जैसे जो अपना एजुकेशनल कंटेंट ये कंटेंट क्रिएशन कब से स्टार्ट किया, मतलब कैसे मोटिवेशन कैसे है? हाँ, इसके पीछे स्टोरी है. स्टोरी कुछ ऐसी है कि ड्यूरिंग कोविड पीरियड
हम किसी प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस में बैठे थे एंड बड़े लोग थे भाई, डीलर्स, बिल्डर्स और इंडस्ट्रियल्स टाइप के. तो किसी ने मेरे फादर से कहा कि भाई पंडित जी लड़का क्या करता है. तो मेरे फादर ने कहा जी मास्टर है. तो वो बिलियनर आदमी यार, 100 करोड़ का आदमी, वो कहता कि यार इनका बढ़िया है, बाड़ा घेर के बैठा लो और महीने का आकर तनख्वाह ठा लो. तो दैट वाज लाइक थोड़ा सा हिट किया. यार आप पिछले 8-10 साल से बच्चों को एक्टिवली पढ़ा रहे हो, वो एक चेंज लाने की कोशिश कर रहे हो, वो छोटी सी लाइन बोल दी और उन्होंने ये कह के कदम कर दिया कि भाई बच्चे बैठा लो और महीने का आकर तनख्वाह डालो. तो वो 2021 के दौर था जब मुझे लगा कि नहीं, मुझे एटलीस्ट अपना जो काम है वो दिखाना चाहिए. और वहां से फिर तब भी सिर्फ इतना ही था कि जो एक्टिविटी कराई, जो पढ़ाया, उसको या तो व्हाट्सएप के जो पेरेंट्स का ग्रुप था उसमें फॉरवर्ड कर दिया, या सोसाइटी का जो ग्रुप था उसमें फॉरवर्ड कर दिया. फिर एक दिन ऐसे ही किसी पेरेंट ने देख लिया तो उन्होंने कहा सर आप ये उस पर भी डाल दो इंस्टाग्राम पे. तो वहां पर मैंने इंस्टाग्राम में डाल दिया, लोगों ने अप्रिशिएट किया कि अरे वाह अच्छा काम है वो. उसके एक महीने बाद जो हमारा डायरेक्टरेट है उन्होंने भी अपने ऑफिशियल पेजेस बना लिए थे इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, तो उनको फॉरवर्ड किया तो उन्होंने भी फिर अपने चैनल से उसको पुट कर दिया. तब फिर उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, ये चीज़ें यहाँ से ज़्यादा अच्छे से स्प्रेड करी जा सकती हैं कि सरकारी टीचर स्पेशली मेल इन प्राइमरी सेक्शन होते हैं, काम करते हैं, और मैं अकेला नहीं हूँ. लड़के भी क्रिएटिव काम कर सकते हैं. और कई तो ना यार देखो वो पर्सनैलिटी के ऊपर डाउट लगा देते हैं, कह रहे अ मैन कटिंग पेपर्स, कलरिंग फ्लावर्स, ये पॉसिबल है? ये ही इज मैनली इनफ. तो कई लड़कियां कह देती है ओ यू हैव टच्ड योर यू नो फेमिनिन साइड. भाई ये स्टीरियोटाइप मत करो कि भाई लड़कियां ही फेमिनिन साइड होती है जो रंग भरते हैं. भाई हमें भी अच्छा लगता है, हमें भी खुशी होती है रंग भर के, ठीक है ना. हम जिम में जाके स्क्वाट्स भी लगाते हैं, हम पहाड़ों पे जाके खाना भी बनाते हैं, और क्लासरूम में हम आकर अपने रंग भी भरते हैं फूलों में. तो कर सकते हैं. और जैसे कल क्या होता, हमारा एनुअल डे था तो गिफ्ट पैकिंग चल रही थी. तो टीचर्स आए, टीचर बोलते सर गिफ्ट पैक मैं कर दूंगी, टेप काट काट दे दो. मैं कहता हूँ गिफ्ट मैं पैक क्यों नहीं कर सकता. हाँ टेप आप काटो. इतनी मेरी एबिलिटी तो है कि मैं उसको मोड़ मार के चिपका दूँ. एग्जैक्टली इतना वो टफ नहीं है. तो फिर पता क्या होता है, कई बार जब आपको बार बार करा जाता है ना, एक पॉइंट आता है तुम ही कर लो. कर लो, हम नहीं करते. तो नहीं होना चाहिए, इंसान भी छोड़ दे, लेट गो. अब जैसे अभी मैंने ना 2-3 दिन पहले रील डाली जिसमें हम लेफ्ट राइट पढ़ा रहे थे बच्चों को. तो वो उसमें था इफ यू नो रेज योर राइट हैंड एंड टर्न अराउंड, ठीक है, रेज योर लेफ्ट हैंड टर्न अराउंड. तो बच्चे तो बड़ा डांसिंग मूव में कर रहे हैं और आई वॉज लाइक वेरी स्टिफ. अब भाई तो किसी ने कहा अरे सर आप तो बहुत स्टिफ हो, अ मैन शुडंट डू लाइक दिस. मैं कहा देखो भाई अब स्टिफ हूँ नहीं हूँ वो मुझे नहीं पता, लेकिन करना था तो मैंने कर दिया, ठीक है. मैं ठीक है भाई, मैनली फेमिनिन व्हाटएवर इट इज, लेकिन आई दिस वाज माय जॉब टू डू, तो आई डिड इट. बिल्कुल ठीक है ना, ये था. सर स्कूल के आउटसाइड, आउट ऑफ स्कूल आपके क्या हॉबीज हैं, क्या इंटरेस्ट हैं जिसमें आप फोकस करना चाहते हैं? फिर अब बहुत ही मतलब बहुत ही मजा आता है करने के लिए, भाई ये टाइम फ्री है इसमें कर लेता हूँ. मतलब दिन परफेक्टली खत्म हो जाए. मेरे को हाल फिलहाल पिछले 2-3 साल से, या मेरे को लग रहा है सभी को कोविड के बाद एक वो ट्रैवल व्लॉग्स का बड़ा शौक है, मैं बहुत देखता हूँ. उसके अलावा ट्रैवलिंग का शौक तो खैर बचपन से ही है, क्योंकि हमारे फादर साहब ने वो कीड़ा डाला हुआ है, हर 6 महीने में निकल जाने वाला, तो वो एक शौक है. फिर जो केवी ने पूरा किया थैंकफुली, जैसे हम जब कश्मीर में थे तो हम तो कहते थे कि यार लोग यहाँ 1,00,000 रुपए खर्च करके आते हैं ये चीजें देखने के लिए, हमें सरकार पैसा देती है चीजें देखने के लिए. तो वहां से था ट्रैवल का शौक है, थोड़ा सा जिम का है, जाके वर्कआउट कर लिया, और थोड़ा भाइयों में बैठने का है कि दो भाइयों से बात हो गई, स्पेशली बड़े वालों में, क्योंकि ज्ञान की बात तो वहीं से आती है, वो फिर ऐसे ऐसे शब्दों को यूज करते हैं, वो सिखाते हैं, तो वो लर्निंग तो कहीं और नहीं मिलती है. तो थोड़ा सा वो शौक है, बाकी तो और नहीं है. जी तो एक मुझे चाय का बड़ा शौक है. चाय हम देखते हैं, टीचर इज वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट. आई स्टिल रिमेम्बर एक बार किसी इशू की वजह से ऑलमोस्ट 1 साल में ऐसा हुआ, स्कूल में एक पर्टिकुलर दिन हमें चाय नहीं मिली. और जो मेरी हमारे स्कूल की जो अटेंडेंट है शी नोज, अगर ये बंदा, मैंने उसको क्लियर इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं भाई तुझे मैं कहीं दिख जाऊँ ना चाय लेके आ जाएगा. तो उस दिन वो चाय नहीं बनी, और शाम तक मेरा तो मतलब ऐसे हो गया कि यार मैं इतना हैबिचुअल हो गया, इतना एडिक्टेड हो गया कि मुझे अगले दिन
लिटरली मैंने छुट्टी कर ली क्योंकि मैं नहीं उठ पाया. तो अब फिर मुझे लगा कि मुझे कुछ ज्यादा एडिक्शन हो गया, तो उसको मैंने अब कम किया हुआ थोड़ा सा, बट शौक है जाएगा. तो मेरी एक बताता हूँ क्या कहानी हुई जी. हमारी जस्ट ज्वाइनिंग हुई तो ट्रेनिंग होती है, और ट्रेनिंग में सर आपको बताओ नोट पैड मिलते, पेन मिलते हैं जिसमें हम कुछ नोट कर सकते हैं. तो ट्रेनिंग जनरली इतनी इंटरेस्टिंग नहीं होती, वो स्लाइड लेके पढ़ाते रहते. तो मैंने बैठे बैठे मतलब मैंने चलो भाई सर्च कर लेते हैं सिंचेन में सर्च किया, बना दिया तो ठीक बन गया. मैंने अगली पेज खोला, मैंने नोबिता सर्च किया, ये भी बढ़िया बन गया. फिर शिशु का बना, ये भी बढ़िया बन गया. फिर मेरे को पता लग गया यार मेरे तो ड्राइंग का टैलेंट है, मैं तो ड्राइंग अच्छी कर सकता हूँ. फिर मैंने वो ट्रेनिंग 5 दिन की ली, उस 5 दिन मैंने कम से कम 20-25 ड्राइंग बना दी. अरे वाह. उसके बाद में उसके वो कॉपी जब भी खुलती है जब ट्रेनिंग होती है. देखो ऐसा नहीं, ट्रेनिंग का कुछ तो फायदा हुआ. देखो ऐसा नहीं होता कि ट्रेनिंग में हम जाके बैठ जाते तो कुछ सीखते नहीं. देखो जो चीज सीखने वाली होती है वो बिल्कुल समझ आती है, रोल प्ले भी होती है, एक्टिविटीज भी होती है, हम सिंगिंग करते हैं, सारी चीज होती है. पर काफी सारा एक्स्ट्रा एक्सट्रैक्ट होता है जो हम पहले से पढ़ के आ चुके हैं, फिर बहुत ही बोरिंग रिपीटेटिव हो जाता है, बोरिंग डिलीवरी है. तो उसके टाइम में हम अपने हिडन टैलेंट्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं. मुझे एटलीस्ट ऐसे नहीं बोलना चाहिए क्योंकि मैं अभी खुद 2 दिन के लिए रिसोर्स पर्सन बन के ट्रेनिंग करा गया हूँ. और बाकी लोग मुझे गुस्सा हो जाए रिसोर्स पर्सन के मतलब सर. हाँ वो देखो एक ट्रेनिंग का पूरा का पूरी सामान ना रिसोर्स पर्सन के हाथ में होती है. जैसे जस्ट अभी हमारी सर जनवरी में जो ट्रेनिंग हुई है वो इतनी हमारी मतलब मेरी बेस्ट ट्रेनिंग थी अभी तक. उसमें इतने मजे की इतने जो रिसोर्स पर्सन आ रहे थे वो एक्टिविटी ड्रामा करवा रहे हैं, फिर कहानी सुनवा रहे हैं, गाना गवा रहे हैं, सारी चीजें मस्त मजा है. उसमें फिर वो कॉपी खेलने की जरूरत ही नहीं पड़ी, बस ड्राइंग वाली. यही होता है देखो स्कूल में भी यही है. स्कूल में बच्चों का तो यही है, टेक्स्ट बुक बिना खोले भी आप कोई लेसन कोई ऑब्जेक्टिव लर्निंग ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकते हो. ठीक है, तो तब आपको कुछ एक नेक्स्ट लेवल टीचर बना सकते हैं. टीचर तो हम सब हैं, जिसने जेबीटी कर ली, ईटी कर ली, टीचर तो वो भी है. ठीक है, अब आप डिलीवरी कैसे कर रहे हो वहां से डिफरेंस आना लगेगा. ठीक है ना, तो ये है सर. एक ही बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो अभी का फिलहाल एजुकेशन सिस्टम है क्या वो रिलायबल है कि नहीं. ये देखो ये सवाल मेरे को एक साल में मतलब मैं इस पर इतना सोचता कि सही में काम का है कि नहीं. अब तो वैसे भी चेंज आ रहा है जो न्यू एजुकेशन एग्जामिनेशन जो मैं बात कर रहा हूँ एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें तो यार अगर एग्जामिनेशन की बात करें मुझे लगता है कि समवेयर बच्चे को उसकी जो एक्चुअल पोटेंशियल्स है ना उनको पहचान के इवेल्युएट किया जाना चाहिए. वो जब ये मार्च आता है तो एक वो फोटो शेयर की जाती है जिसमें एक वो अलग अलग जानवर हैं, फिश भी है, पेंगुइन भी है, बंदर भी है, उन सबको एक स्टार्टिंग पॉइंट पे खड़ा किया जाता है कि अब दौड़ो. तो वो बिल्कुल सही है कि कोई बच्चा होता है जो लिख के बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर सकता है, कोई बच्चा होता है जो बोल के बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट को एक्सप्रेस कर सकता है, कोई करके दिखा सकता है. तो कहीं ना कहीं वो एक अगर पॉइंट हो कि भाई बच्चों को एक्सप्रेस जैसे कर रहा है कंसेप्ट को वहां से उसको एवेल्युएट किया जाना चाहिए. मैं एक पर्सनल पॉइंट इसमें ऐड कर दूं, मेरे बेटे को परसों ही माइल्ड ऑटिज्म डायग्नोज किया गया है. तो हमने उसका प्रॉपर अभी करवाया है असेसमेंट. तो अब प्रॉब्लम उसके साथ ये थी, वो ऐसे ऐसे जानवरों के नाम बता सकता है जो आप और मैं नहीं जानते हैं. ठीक है, मेरा एक कज़न है, इज एन डबल ए ओ ग्रेड सीजीएल से डबल ए ओ लगा है. ठीक है, गस्टेड ऑफिसर है. तो उसने ऐसे कोई जानवर पूछा तो उसने 2-3 जानवरों के नाम बता दिए, एलिगेटर, इगुआना. ही वाज जस्ट 4 दैट टाइम. तो कहता है यार तुम के पढ़ा हो बालक ने, ये कौन कौन से जानवर के नाम बेरा है. ठीक है, तो वो इतना शार्प माइंडेड है मेरा बेटा, बट रिटर्न उसकी नहीं अच्छी है. और उसके टीचर्स वाज कंप्लेनिंग सर रिटर्न एक सर ये रिटर्न नहीं कर रहा है, सर ये बना नहीं पा रहा है. तो मुझे पहले से ही मालूम था कि हाँ कहीं पर कुछ ना कुछ फ्लॉ है, लेकिन मैं उसको चुप था कि भाई अननेसेसरी बच्चे पे अभी दबाव नहीं डाले. लेकिन अभी लेटली हमें लगा कि नहीं एक असेसमेंट करा लेते हैं, तो हमने कराया. तो माइल्ड ऑटिज्म उन्होंने स्पॉट किया है एंड वो कह रहे हैं कि थेरेपी से ये बहुत डिमिनिश हो जाएगा. ठीक है, और मुझे वैसे कोई इतना इशू है भी नहीं. ठीक है, क्योंकि वो और बाकी सब चीज़ों में बहुत कंट्रोल्ड है. तो
लेकिन मैं फिर वही डर, अभी जो जैसे उसके फाइनल एग्जाम्स आएंगे तो अगेन अपग्रेडिंग जो उसकी है वो रिटर्न पे ही होने वाली है, तो वो मुझे थोड़ा सा पिंच कर रहा है. लेकिन अगेन थैंक यू एंड हैट्स ऑफ टू देयर क्लास टीचर मनीषा मैम, जो बहुत मतलब जेन्युइनली तरीके से बच्चे के ऊपर काम कर रही है. ठीक है, मैं वो देखता हूँ उनके एफर्ट्स, तो बहुत चेंज आ रहे हैं उनकी वजह से भी. तो यस, लेकिन कहीं ना कहीं इवैल्यूएशन सिस्टम में होना चाहिए कि भाई बच्चों को काबिलियत के अकॉर्डिंग हम इवैल्यूएट करते ज्यादा बच्चे, क्योंकि यार एट द एंड ऑफ द डे आपका एम क्या है, बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो, बस खत्म, इतना ही. इसलिए सर मैंने ना मतलब मैं इस बारे में सोच रहा था कई दिन से, तो मैंने एक सिचुएशन बनाई थी. फॉर एग्जाम्पल एक ओरल टेस्ट ले रहे हो आप, बिल्कुल बच्चे सामने आए आपके, आपने पूछा 2+2, तो क्योंकि ओरल टेस्ट है बच्चों को 4 बोलना चाहिए, वो मतलब वो बोल ही नहीं पा रहा, 4 वो बोल रहे सर लिख के दिखा देना, तो आप उसको नंबर दोगे? देंगे. अब अपोजिट कंडीशन, टेस्ट से रिटर्न, अब उसने लिख दिया 2+2, अब वो बोल रहा है सर लिख के नहीं बता पाऊंगा, बोल के बता दो. अब कन्वेंशनल एजुकेशन सिस्टम ये बोलेगा, फिर टीचर ये बोलेगा कि उसको नंबर नहीं दूंगा मैं, आप हाँ नहीं देंगे, क्योंकि वो लिख के नहीं बताया, पर आपने ओरल टेस्ट में क्यों नंबर दे दिया जब इसने लिख के बता दिया था? बिल्कुल सही. तो हमारा एजुकेशन सिस्टम का ना मेन फोकस सिर्फ लिखाई पे रह गया है कि भाई लिख के दिखाओ तुम. अगर हम बच्चों को थ्रू आउट द वीक बोल रहे हैं, थ्रू आउट द ईयर बोल रहे हैं, एक्टिविटी मेथड के थ्रू पढ़ो, प्ले बेस्ड मेथड के थ्रू पढ़ो, हम एट द एंड उसका टेस्ट रिटर्न क्यों ले रहा? हाँ ये, लेकिन अब जो NAP 2020 आई है उसमें सजेस्टेड है कि भाई अब ये चेंजेस बिल्कुल हो जाएंगे, एंड ठीक है देर से ही सही, बट आ गए हम भी ट्रैक पे आ गए और अब ठीक है. बट एज अ टीचर देखो, एज अ न्यू एज टीचर, हाँ हमें पता होना चाहिए कि भाई बच्चे को कितना आता है. बिल्कुल बिल्कुल, उसी के अकॉर्डिंग उसकी मार्किंग करनी चाहिए. और मुझे पता है ये लगता है कि बीइंग अ टीचर एंड बीइंग अ स्टूडेंट, हम सबको सब मालूम है इसका एक बहुत बड़ा जो इम्पोर्टेंट पिलर है वो है पेरेंट्स, उनकी गाइडेंस एंड काउंसलिंग. काउंसलिंग बहुत जरूरी है कि भाई आप बच्चों के ऊपर एक्स्ट्रा पुश प्रेशर मत दीजिए कि लिख के दिखा लिख के नहीं कर रहा है, तो वो बहुत जरूरी है. बच्चा वहां से भी तो दबता है, आपने थोड़ा सा इंडिपेंडेंटली पढ़ा दिया, लेकिन पेरेंट नहीं समझ रहा तो दिक्कत हो जाएगी. आई स्टिल रिमेम्बर मैं जब गेस्ट टीचर था तो 2012 की बात है, बड़ा यही एक्टिविटी कर रहा था वो, तो एक पेरेंट ने आगे बोल दिया मुझे, कहते आप पढ़ाते क्या हो, कॉपी तो भरती नहीं है. माइंड सेट है कि नहीं कॉपी अगर भरी हुई है, मैं कहा मैं इसको रोज 10 पन्ने सुलेख करा दूं तो नहीं हो पीता हो गया पढ़ दिया इसने. मैं इवेंचुअली मैंने करा वही, अब भाई डेली 1 पन्ना सुलेख हिंदी इंग्लिश की करनी है तुम्हें, मैं अपने एक्टिविटी कराता रहूंगा, एड ऑन हुआ कि भाई तुम भी खुश रहो पेरेंट्स. तो लेकिन अब पेरेंट्स में भी थोड़ा सा चेंज आ रहा है, डेफिनेटली चेंज आ रहा है. तो मेरे साथ भी एक्सपीरियंस होता है, अभी पेरेंट्स पीटीएम आते हैं, सर आप इनको होमवर्क देते नहीं हो या फिर इनकी कॉपी तो भरती नहीं है. मैं कह रहा मैम जो कंसेप्ट है ना, जो मैं सिखाना चाह रहा हूँ, ये बहुत ही अच्छी तरीके से सीख रहे हैं, प्रैक्टिस मैंने क्लास में बोर्ड पे करा रहा हूँ बुला के. बिल्कुल सही बात है ना, तो मुझे एक मतलब डबल कंफर्मेशन चाहिए कि इनको आ गया कि नहीं आ गया. मेरे को पता है मैंने इनका टेस्ट ले लिया क्लास में, बोर्ड पे ले लिया है, इनको प्योर कंसेप्ट आता है, और क्या चाहिए. बिल्कुल पेरेंट्स को अगर समझ में आ जाए फिर तो लाइफ इजी है टीचर के. मेन तो पेरेंट्स जो दुखी करते हैं, मैं तो फोन करता है, मेरे पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया है. और सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जैसे दुनिया नए जो टीचर्स आने वाले हैं जस्ट अभी, तो वो एक सैलरी की चीज रहती है उनकी मोटिवेशन टाइप का, तो क्या कुछ मतलब सैलरी अगर आप वैसे मतलब आइडिया दे सकते हो? नहीं मैं तो फिगर ही बता दूँ. फिगर ज्यादा और क्या वेल दिल्ली में आप फर्स्ट सैलरी प्राइमरी टीचर पे 55 से ऊपर उठा लेते हो. मैं बताता हूँ फर्स्ट मेरी 59,000 तो फर्स्ट सैलरी आप वहाँ से उठाते हो, फिर वो साल में 3 बार ही बढ़ती है जिसमें DA है, इंक्रीमेंट है, तो बोनस भी एक आ जाता है 7,000 का. बढ़िया, तो बढ़िया सैलरी है, सैलरी के मामले में कोई दिक्कत नहीं है. तो अभी मतलब आपकी 4-5 साल हो चुके हैं, उसके बाद ऑलमोस्ट लाइक क्या फिगर है? अब तो अच्छे फिगर है. एक्चुअली चक्कर क्या है, मेरे को हो गए 10 साल हो गए, 10 साल की वो NPS ट्रांसफर हो रहा था, NPS भी ट्रांसफर और मेरी वो पास सर्विस भी काउंट हो गई है, तो 2014 से हो रहा है, तो मेरा तो एक ग्रेड पे ऊपर लग चुका है. तो भाई चिंता मत करो, सैलरी की तो मौज है, बस तुम तैयारी करो जम के अपनी. नहीं बहुत बहुत यार, इसके जॉब लगने के बाद ना लाइफ इतनी इजी हो जाती है. कई बार तो कई लोगों को तो ना, नए लड़कों को तो यकीन ही नहीं होता, लोगों हैं इतना पैसा मिल रहा है मुझे बस 4 घंटे की नौकरी के लिए. लोग खुश भी हो जाते, पगला भी जाते हैं कुछ. लेकिन मैं फिर बता दूं, डिस्क्लेमर है, सिर्फ 4 घंटे की नौकरी नहीं है,
नौकरी थोड़ी उससे ज्यादा है, थोड़ी ज्यादा ठीक है, वो आपके ऊपर है आप उसको कितना कर रहे हो ठीक है ना। और प्राइमरी टीचर पीआर टी के तो फुल फॉर्म भी दो ही हम होते हैं भाई, या तो पूरे रॉयल टीचर या पूरे रोंदू टीचर, तो इट इज टोटली अप टू यू क्या करना है। तो पीआरटी को प्राइमरी नहीं बोलते, असिस्टेंट प्राइमरी टीचर बोलते हैं। तो हम पहले असिस्टेंट काम करने और असिस्टेंट मिलता भी नहीं, हम ही असिस्टेंट असिस्टेंट ही हम यूडाइस के काम में इतनी एक जरूरत लगी हमें एक असिस्टेंट की, होता तो कितना अच्छा होता। तो सर बात नहीं, एक लास्ट चाहिए है, सेकंड लास्ट ये कि आप अभी जो जस्ट बच्चे आ रहे हैं उनके लिए क्या एक एडवाइस होगी आपकी, जो भी डिस्क्लेमर हो, कोई अच्छी एडवाइस हो। जो टीचिंग में आ रहे हैं सबसे पहले तो उस माइंडसेट के मत आना कि एक सरकारी नौकरी है, और जो आपने वो सन 80 सन 90 के दशक में जो या जो क्या कहते हैं उसको ऑफिस ऑफिस में जो सरकारी एक पुराना ड्रामा था जिसमें ऑफिस ऑफिस करके जिसमें सरकारी दफ्तरों की एक अलग छवि दिखाई जाती थी, उस छवि के साथ बिल्कुल मत आना। आपके पड़ोस वाले शर्मा अंकल क्या बोल रहे हैं टीचर्स या गवर्नमेंट सर्वेंट्स के बारे में, उस सोच के साथ मत आना। बहुत डायनामिक प्रोफेशन है, 24/7 वाला प्रोफेशन है, डायनामिक है, आपको बहुत इनपुट देने पड़ेंगे और बच्चे बहुत तेज हो चुके हैं, पेरेंट्स बहुत तेज हैं ठीक है। तो उस माइंडसेट के साथ आओ कि मैंने बच्चों में बिहेवियरल चेंजेस लेकर आने, वैल्यू ऐड करने, आपको वैल्यू ऐड करने बिल्कुल ठीक है। तो ये है और अपने ग्लैमर को साथ लेके आओ, वी नीड ग्लैमरस पीपल मैन। सर एक स्वैग कैरी नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं, लेकिन बट हाँ वो है कि ऐसा ना हो कि तुम यहाँ आते हो तुम पुराने रंग में ढल जाओ, ऐसा नहीं, बिल्कुल आपको दूसरों को अपने रंग में ढाल दो, एक न्यू एज टीचर की तरह। हाँ एक ऐसी पर्सनैलिटी के साथ आओ कि भाई सामने वाला देखे तो एक बार कह दे ये मास्टर है, मास्टर तो लागता नहीं है। बट इन अ पॉजिटिव वे, स्टार्टिंग स्कूल में जब मैं गया ही था, जॉइनिंग हुई थी तब, तो फिर 12th के मैं बाहर खड़ा हुआ प्रिंसिपल ऑफिस की, तो फिर जो स्टाफ होता है बोले किससे मिलने आया हूँ, किसके पेरेंट्स, मतलब किससे किसके भाई है, सर नहीं मैं तो नई जॉइनिंग आया हूँ पेरेंट पी आर टी की, तो वो कह रहे हो फिर उसके बाद बच्चे भी कह रहे भैया भैया क्या करने हैं, तो कह रहे भाई टीचर। तो स्टार्टिंग के एक दो हफ्ते बच्चों को टाइम लगा, भैया निकलते भैया निकल रहा था मुंह से, पर मैं भाई सर बोला करो तो होता है नहीं, जो यंग वाले आते हैं उनका तो मजा नहीं आ रहा है, बढ़िया है। और लास्ट में सर ये है कि आपके अब क्या फ्यूचर प्लान्स रहने वाले हैं रिलेटेड टू कंटेंट क्रिएशन और एजुकेशन एक्टिविटीज, आप क्या मतलब जो देखो फ्यूचर प्लान्स मेरे कुछ ऐसे रहने वाले हैं कि अभी तो जैसे इंस्टाग्राम पे हूँ, वहाँ पर अपनी टीचिंग प्रैक्टिसेस शेयर करना चाहता हूँ, आप लोगों से सीखना चाहता हूँ, कोई भी नई एक्टिविटीज़ हैं वो है। एक डिस्क्लेमर अगेन ये है कि मैं इंस्टाग्राम के लिए एक्टिविटी नहीं कराता हूँ, एक्टिविटी कराता हूँ पढ़ाता हूँ, उसको एड ऑन है कि इंस्टाग्राम पर डाल देता हूँ, बस सिंपल इतना है ठीक है। एक ये है, दूसरा एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग ये है कि एक रिमोट एरिया में जब मैं 50-55 पे हो जाऊं तो या 60 का हो जाऊं, तो रिमोट एरिया में जो जगह मैंने देखी हुई है वहां पर एक घर हो जाए और एक छोटू सा स्कूल हो जाए जीवन यापन के लिए। बड़ा फिल्मी लग रहा है लेकिन मुझे मालूम है कि ये बिल्कुल ट्रू है। क्यों? अगर आज से 3 साल पहले मुझसे कोई पूछे कि तेरे 100K फॉलोअर होंगे इंस्टाग्राम पे, तो वो भी फिल्मी था क्या यार, एक सरकारी मास्टर के 100K क्यों होंगे, क्या रीजन है? अगर बॉडी अच्छी बनाई हुई है तो बतेरे बॉडी बिल्डर्स हैं ठीक है, सुंदर दिखने में ऐसे है नहीं हम कि भाई नीली आंखें हैं या वो 6 फुट हाइट है ठीक है, वो भी एवरेज ही है, मिडिल क्लास है उसमें भी है, तो वो भी नहीं था लेकिन आज हुए हैं। तो ये भी एक मैनिफेस्ट में, तो ये भी एक मैनिफेस्टेशन है, ये भी एक दिन अचीव करूंगा, जहां पर जैसे आप लोग खुद भी जो कोचिंग चला रहे हो इतनी लाइक इकोनॉमिकल, मेरे ख्याल से 500-600 रुपए लेके लेके आप यार D++BKV वाले बच्चों को कोचिंग करा रहे हो, भाई साहब 17,000 प्राइमरी टीचर की मिनिमम फीस है किसी भी ऐसे वैसे कोचिंग सेंटर पे, आप 500 रुपए में उनको गाइड कर रहे हो, तो वो भी मेरा भी एक ऐसा ही है मैं कि करना है, इसीलिए बहुत सारी एनजीओ से आज से जुड़ने लग गया हूँ ठीक है, एनजीओ को विजिट कर रहा हूँ, बुलाते भी हैं लोग, खुद से भी चला जाता हूँ, कोई नहीं बुलाता अच्छी लग रही है तो उनको खुद रिक्वेस्ट कर लेता हूँ कि भाई मेरे को एक बार आ जाने दो, मैं आपका वर्किंग प्रोफाइल देखना चाहता हूँ। तो एक वो फ्यूचर एम मेरा रहेगा। बाकी एक और बहुत वो है जो मेरे दिल के बहुत क्लोज है, इंस्टाग्राम पे मैं देखता हूँ कि किसी को कमेंट नहीं है, ये बहुत लोग ऐसे हैं जो सरकारी स्कूल के बच्चों को बड़ी दयनीय स्थिति में दिखाते हैं। हाँ
ठीक है, वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वेरी ऑनेस्ट वो बहुत मुझे अच्छा नहीं लगता यार। आप उसको या तो बिफोर आफ्टर ही कर दो, भाई पहले बच्चा ऐसे था, मैंने उसको कपड़े दे दिए, वो दे दिया, अब ऐसा वो ठीक है, लेकिन शर्ट फटी पड़ी है यार, नाक बहरी है, कॉलर इधर उधर चढ़ रहे हैं, इस तरीके से नहीं दिखाना चाहिए। मतलब वो मुझे अच्छा नहीं लगता, पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लगता, बट मुझे नहीं अच्छा लगता यार बच्चों के साथ। एथिकल मॉरल वे भी नहीं है वैसे तो। और सर एक और लाइक्स, ये दुनिया जो फॉलोअर्स की है, लाइक्स की है, शेयर्स की है, ये यार इस फोन के अंदर अंदर ही है, ठीक है, बाहर बहुत बड़ी दुनिया है, तो जिंदगी बहुत बड़ी है, तो उसको थोड़ा सा बिल्कुल साथ लेके। और सर कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा डिफरेंस है D++V के बच्चों में और KVS के बच्चों में, क्योंकि जो KVS के बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं वेल टू डू फैमिली से आएंगे यार। D++V के बच्चे, मैंने KV में क्या बोलते हैं एक, अरे सर थैंक यू सो मच, सो स्वीट ऑफ यू, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, गिर ना जाए। नहीं तो KV में यार हमने मतलब मिडिल क्लास बच्चों को भी पढ़ाया, और जो सेकंड इन कमांड थे CRP के TYC उनके बेटों को भी पढ़ाया हुआ है, तो वो लेवल अलग है। यहाँ तो भाई अब सबको मालूम है सरकारी स्कूल के किस स्ट्राटा से बच्चे आ रहे हैं, रिक्शा पुलर्स हैं, पेंटर्स हैं, लेबरर्स हैं, ठीक है, कई के तो पेरेंट्स काम भी नहीं कर रहे हैं, तो यस देयर इज अ डिफरेंस, ये आपके ऊपर है। अब आप उन चीज़ों को कितना पॉजिटिवली, नेगेटिवली या अट्रैक्शन सीकिंग बिहेवियर में दिखा रहे हो, तो वो एक चीज़ है ना। बाकी जी मैं रो नहीं रहा था, कहीं रो रहा, मेरी आंख में कुछ इचिंग हो रही थी, तो बहुत इमोशनल हो गया सर। बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके, बात मतलब एक स्लाइट की वार्तालाप ही थी जो हमने, एक नॉर्मल कन्वर्सेशन थी, इफेक्टिव टॉक रही है आप लोगों के लिए, हमारे लिए भी कुछ हमने रिफ्लेक्ट किया है। जी जी बताना हमें काम कैसे लगे, और सर को आप फॉलो करते ही है तो हमें फॉलो कर लीजिए, नहीं अगर मुझे नहीं फॉलो करता तो मुझे फॉलो कर लीजिए। और सर का और बाकी सर जो भी छोटी मोटी कमियां या फिर अच्छी चीजें आपको लगी, नहीं लगी किसमें, आपके चैनल में जो भी है सर। अरे नहीं यार, आप इतने बढ़िया लोग हैं, स्वीटेस्ट लोग हैं, बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत मजा आया, थैंक यू सो मच, मीन्स अ लॉट, थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार जो आप लोग आप आए हैं ना हमारे साथ, एक कन्वर्सेशन करी, मेन देखो इसका एम एक कन्वर्सेशन करने का ही था, नॉट फॉर दी मतलब कि भाई हम एक आइडियलिस्टिक वीडियो बनानी है, एक यार हम आइडियलिस्टिक है भी, आइडियलिस्टिक लोग मेरे ख्याल से आप एग्जिस्ट भी नहीं करते, हर बंदे में कहीं ना कहीं फ्लॉज हैं, तो ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और चलिए दोस्तों आपसे मिलते हैं, एक सर डायलॉग है जो मैं हर क्लास के एंड में बोलता हूँ, चलिए दोस्तों आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम सभी, राम राम।